प्राचार्य डॉक्टर संदीप कंधवाल जी के निर्देशन में राज्य के महाविद्यालय इसराना की महिला सेल और स्वामी विवेकानंद यूथ सेल के संयुक्त निर्देशन में 10 दिवसीय कार्यशाला के समापन समारोह में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर राजपाल कौशिक जी, कार्यवाहक प्राचार्य राज्य के महाविद्यालय इसराना, मैडम संगीता प्रभारी महिला प्रकोष्ठा, डॉक्टर प्रियंका कादयान जी, श्री सुनील जी, मैडम पूजा जागलान जी, मैडम पूनम, मैडम पिंकी जी, मैडम कविता, मैडम सोमन, मैडम सुनीता, मैडम कृष्णा, मैडम काफी, और विशेष आभार कोच अंकित जी का और राजेंद्र माली जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है विद्यार्थी के अंदर, किसी महिला के अंदर, किसी पुरुष के अंदर, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा जो ये आत्मरक्षा के विभिन्न गुर सिखाए गए हैं, क्योंकि समय का महत्व होता है। हमने स्टार्टिंग में सर हर बात में एक ही बात कही थी कि आपको समय मिल जाएगा, आप स्वयं जो है अपने बचाव के लिए आओगे तो आप, एक तो आपको समय मिलेगा, अन्यथा क्या होगा, आपको पकड़ के जो है गाड़ी में डाल लिया गया। वहाँ अगर आपको 2 मिनट का भी टाइम मिल जाता है तो वहाँ आसपास के जो लोग हैं आपके बचाव में, आपको दूसरे लोगों का सहयोग मिलेगा, और जो आपको छेड़ने वाला या जो है किडनैप करने वाला जो भी व्यक्ति आता है, हमेशा उसके अंदर डर जो है, आपसे ज़्यादा डर उसके अंदर होता है। टाइम मिलते अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आई वेलकम यू टू दिस क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ आवर वर्कशॉप। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि राजकीय महाविद्यालय इसराना में महिला प्रकोष्ठ एवं स्वामी विवेकानंद यूथ सेल के तत्वावधान में 10 दिवसीय आत्मरक्षा कार्यशाला का आयोजन हुआ। महिला प्रकोष्ठ के प्रभारी मैडम संगीता व अन्य सभी सदस्यों ने और स्वामी विवेकानंद यूथ सेल के प्रभारी प्रोफेसर दलजीत के अथक प्रयासों से इस कार्यशाला का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया, और उसकी सफलता यहीं से पता चलती है कि शुरुआत में ये 7 दिवसीय प्रोग्राम था और फिर इसको बढ़ाकर 10 दिवसीय कर दिया गया। मैं संक्षेप में आप सबको इस कार्यशाला की गतिविधियों से अवगत कराना चाहूँगी। राजकीय महाविद्यालय इसराना में दिनांक 4 फरवरी को 10 दिवसीय आत्मरक्षा कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला का आयोजन श्री संदीप कंधवाल जी प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय इसराना के दिशा निर्देशन में हुआ। कार्यशाला की अध्यक्षता डॉक्टर राजपाल कौशिक जो कि हमारे कार्यवाहक प्राचार्य हैं, उनके द्वारा की गई। कार्यक्रम का संयोजन मैडम संगीता रानी महिला प्रकोष्ठ प्रभारी ने किया एवं संचालन श्री दलजीत कुमार प्रभारी स्वामी विवेकानंद यूथ सेल ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर राजपाल कौशिक ने श्री अंकित जागलान कोच यूनाइटेड मार्शल आर्ट एकेडमी इसराना एवं मिस वर्तिका का महाविद्यालय की ओर से स्वागत किया। छात्राओं को छात्राओं को कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर जो है धन्यवाद करती हूँ, और एक बात और कि जो हमारा ये प्रोग्राम हुआ है, ये जो दोनों सेल हैं, जो वीमेन सेल और यूथ सेल के सभी सदस्यों का इसमें जो है सहयोग रहा है, और उनके बिना ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता था, तो सभी के लिए एक बार क्लैपिंग। और सबसे लास्ट में मैं थैंक्स करने चाहूँगी अपनी सभी डियर्स। अगर पकड़ मजबूत है, अगर उसकी पकड़ यहाँ से मजबूत हो, अगर यहाँ से ना छूटे तो उसके फेस पे अटैक कर सकते हो, या ऐसे किसी की लात मार सकते हो, यहाँ से छूटे तो उसे रुक जाएगा और वहाँ उसके बाद क्या करिए, तो उसका हम पहले रोकेंगे फिर इसके थप्पड़ लगा सकते हैं। अगर फिर भी ऐसे दो बार रोकेंगे तो इसका हाथ मरोड़ के फिर बच्चे कौन रुकना सकते। अच्छे से करवाइए अटैक, रोक के और फिर यहाँ पे ऐसे रोकना है कि जो ये लुकीली वस्तु ले रहा है।
अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले यदि कोई हमारे पास आ रहा है और हमारा कॉलर पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारे कॉलर को पकड़ ही ना पाए। अगर ये आ रहे हैं तो मैं इसको कैसे रोक सकती हूँ? और अगर फिर भी हमारी कॉलर को पकड़ लेती है, सबसे पहले तो एक हाथ से हम इसके हाथ को पकड़ेंगे ताकि जो हमने सूट टी शर्ट या फिर कुछ भी डाला हुआ है उसे फटने का डर ना रहे। ऐसे जो उसे पकड़ के हमारा एक हाथ पर ही है, हम इसे पंच भी मार सकते हैं और गैप को देखकर हम ऐसे टांग से भी अटैक कर सकते हैं। और अगर हमें कोई थप्पड़ मारने आता है पहले तो हमें ऐसे करना है कि उसे मारने ही नहीं देना, अगर कोई फिर भी मार दे या फिर हमारे बार में हमें वापस उसे थप्पड़ मार देना है। अगर हमारे कोई बाल पकड़ ले तो पहले हमें उसका हाथ ऐसे यूं ही पकड़ना है ताकि वो कोई और नुकसान ना करे, और फिर ऐसे कैसे बैठ जाना है, फिर उसका हाथ खुद ही ऐसे हो जाएगा और वो खुद ही छोड़ देगा। बैठने से क्या होगा बेटे? सर उसकी कलाई ऐसे घूम जाएगी सर। हमें उसका हाथ ऐसे कैसे पकड़ के और थोड़ी मार देनी है। अगर कोई हमें हमारा गला पकड़ने आता है और हमें उससे बचाव करने हैं, जैसे ये हमारा गला पकड़ लिया तो हमें क्या, सबसे पहले हमें अपना बचाव करना है, ऐसे हाथ मारना है। मान लिया उसने मेरा गला ही पकड़ लिया है तो हमें यह नहीं उसको गला पकड़ता कि पीछे दे हमें पीछे डला पकड़ी लिया, ऐसे हाथ मार सकते हैं। हम किक मार सकते हैं, ऐसे मार सकते हैं, हाथ उधर नाकू मार सकते, बाल पकड़ सकते हैं, कोड़ी मार सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है हम कर सकते हैं उसकी उंगलियों को वापस मोड़ के। सेकंड, अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरी बार क्या कर सकते हैं? हमारे दोनों हाथ फ्री है, उसकी आंखों में उंगली मार सकते हैं, फेस पे अटैक कर सकते हैं, पंच मार सकते हैं, कुछ भी मारो, उसकी पकड़ ढीली होते ही वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। तीसरा, अगर दोनों से नहीं छूटता है तो हम उसको किक कर सकते हैं, किक के बाद उसकी पकड़ ढीली होते हमें ट्राई करना है कि हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां हम सुरक्षित महसूस करें। बोल बेटा कैसा लगा आपको इस कार्यक्रम को? देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और हमें 10 दिन के अंदर काफी कुछ सीखने को मिला है। और लड़की के अंदर जो आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, वो अंकित सर ने ज्यादा ही अच्छे से हमें बताई गई है और सिखाई है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में होती है, ना कि दूसरों के। बाकी हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ से ही करें तो अच्छी बात होती है कि हमें मुझे ये प्रोग्राम देख के बहुत ही अच्छा लगा और मेरा मानना तो यही है हमें नहीं आगे आने वाली और सबको भी ये सिखाया जाए। और एनीवन एल्स, एनीवन इस 10 दिन से शिविर ने हमें आत्मरक्षा के साथ साथ हमारे मनोबल में भी वृद्धि की है, इसके लिए मैं सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 10 दिन के सेल्फ डिफेंस में हमने बहुत कुछ सीखा जिससे हम आत्मनिर्भर बने, हमारे अंदर आत्मविश्वास आया और जो कि हमें भविष्य में हमारे रक्षा के लिए प्रोत्साहित करता है। सेल्फ डिफेंस के अंदर शिविर का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा, इसमें जो लड़कियों में आत्मनिर्भरता आई है और जो 10 दिन का प्रोग्राम था अंकित सर ने करवाया है, 10 दिनों में बहुत ज्यादा सिखा दिया है हमें। चलो 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 नीलम, यस ये एनीवन एनीथिंग। सबसे पहले तो हमें संगीता मैडम से बहुत प्यार मिला और इस कैंप में आके हमें बहुत अच्छा लगा, हम चाहेंगे ये कैंप बार बार हो। ओके ओके ओके, चलो चलो पूनम 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 आओ बेटा, आओ आओ आओ, बोलो बोलो कुछ। अब कोई नहीं है, हमारे 10 दिन के सेल्फ डिफेंस के कैंप में थे, हमें ये सीखने को मिला है कि हम लड़कियाँ कमजोर नहीं होती हैं, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। चलो सविता आओ बेटा कुछ बोलना चाहो। हमने सेल्फ डिफेंस में बहुत कुछ सीखा, इससे हमें ये सिखाया गया कि हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं किसी भी मुसीबत में।